Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा पुतला फूंका गया शांति धारीवाल जी का, क्योंकि कल विधानसभा के अंदर शांति धारीवाल जी ने एक अपमानित जैसा महिलाओं को अपमान करने वाला एक बयान जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि महिलाएं आज जो राजस्थान का प्रदेश है वो मर्दों का प्रदेश है, इसमें जो बलात्कार की भावनाएं हैं वो बढ़ती रहेगी या बलात्कार होते रहेंगे, लेकिन राजस्थान की जो भूमि है वो वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। राजस्थान के वीर जब लड़ने जाते थे और जब राजस्थान के वीर लड़ने योद्धा रण के अंदर लड़ने जाते थे तो राजस्थान की वीरांगनाएं उनको तिलक करके और उनके हाथ में तलवार भेंट करके उनको राजस्थान उनको रण के अंदर विजय होने की शुभकामनाएं देती थी। इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द शांति धारीवाल जी को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो एबीवीपी पूरे राजस्थान भर में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी जिसके लिए जो भी प्रशासन और राजस्थान सरकार उसकी जवाबदार होगी। उदय सिंह शेखावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी। शब्द के कार्यकर्ताओं द्वारा और अजमेर की कई छात्राओं द्वारा आज कलेक्ट्रेट साहब को ये ज्ञापन दिया गया कि जो राजस्थान के मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उनके द्वारा बयान दिया गया कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान और यहाँ पर रेप तो होंगे, ऐसा जो ये जो बयान दिया गया ये कतई निंदनीय है और बिल्कुल जो शांति है उसके खिलाफ है और भारत की हर महिला इसका है ना एक तरीके से निंदा करती है और ये एक तरीके से एक कदम पीछे लेने जैसी बात हो गई है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है और ये हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन लिया जाए और इससे समाज में भी इनके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए कि ऐसे बयान ना दिए जाए। आज हमने कलेक्ट्रेट पर शांति धारीवाल जी का मुर्दा जो पुतला जलाया गया और नारे लगाए गए कॉलेज की छात्राओं द्वारा और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। रिंकू कंवर राठौड़, इकाई।